कमबा बारक तला इब्राहिम व अलाब्राहिम का हमीद मजीद लतदादरुदा इस्लाम बेशबरुदा इस्लाम मेरे और आपके प्यारे सोने तो मनमोने आपका हज़रत मोहम्मद मुस्तफा मुतफ़ा सल्हसम पर आपकी आल पर और आपके पर जी जी दोस्तों ये पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम सवात का इलाका कलाम है और कलाम में इस वक्त ताज़ा तरीन जो मनाजर है यानी कि कल शाम के हैं उसके बाद आय सुबह के मनाजर भी आपको दिखाएँगे ज़बरदस्त मौसम है और बारिशों की आमद आमद है कैसा मौसम रहेगा इसके बारे में डिटेल आपको अपडेट देंगे उसके अलावा हमारी आज की इस वीडियो में शामिल होगी एक सस्ती तरीन रहायश जिसका पहले भी एक दफ़ा तस्करा कर चुके हैं आज रिपीट करेंगे कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जी हम बड़ी फैमिली आ रहे हैं और इतहाई सस्ते रेट में हमें कहाँ जगह मिलेगी तो बड़े इकनॉमिकल प्राइस में यानी कि जिसमें आपको पाँच बंदे हों बीस बंदे हों तीस बंदे हों तीस बंदों तक भी वहाँ पर आप रह सकते हैं जी हाँ एक ऐसा गेस्ट हाउस जिसको हम दिखाएंगे आपके पूरी फैमिली आपकी आए रहे और बड़े मुनासिब पैसों में आप रह सकेंगे कितनी कीमत में रह सकते हैं ये भी आप दिखाते हैं कहाँ पे है वो भी दिखाते हैं लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ व मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर आल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मौसू होता रहे मौसम कलाम के अंदर ज़बरदस्त है लेकिन थोड़ा सा गर्म मौसम है कलाम में लेकिन इसके गिरतनवा में जब आप जाते हैं मोडर्न झील की तरफ ज़बरदस्त मौसम आगे बढ़गोई टाप की तरफ एक्सीलेंट मौसम और इसी तरह अंद्राव झील है और काफ़ी सारे ब्लू वाटर की तरफ जाएँ तो बड़ा ही खूबसूरत मौसम है अबस नहीं है हवाएँ चल रही हैं और बड़ा ही यानी कि एक ऐसा मौसम है जिसमें ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है और खूबसूरत मौसम आप इंजॉय कर सकते हैं अभी चलते हैं ज़रा मौसम की सूरत हाल देखते हैं कि यहाँ बारिशों का सिलसिला कैसा है और टम्परेचर आजकल कितना है यहाँ पर तो स्क्रीन पर गूगल की चलते हैं जी दोस्तों गूगल की स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि आज जुमे को जो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त भी यहाँ पर 60 परसेंट फिफ्टी परसेंट चांस है कलाम के इर्द गिर्दा में बारिश का और अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 24 25 और कम से कम हमें ये सत्रह अठारह तक टेम्परेचर नज़र आता है तो गया सर्दी नहीं है आ, एक नॉर्मल सा दरमियाना मौसम है पच्चीस छब्बीस तो हम ए लगाकर भी अपने इलाकों में टेम्परेचर कम करते हैं लेकिन यहाँ पर कुदरती तौर पर पच्चीस छब्बीस है तेईस है इक्कीस है और बारिशें हमें लगातार आगे दिखाई देती हैं कभी ज़्यादा चांसेस है कभी कम चांसेस हैं और ज़रूरी नहीं कि ये कलाम में बारिश बारिशों के गिरतनवा में बारिश हो सकती है क्योंकि ओवरऑल ये एरिए का व्यू दिखा रहा होता है और वहाँ की बातचीत कर रहा होता है तो ये बारिशों का सिलसिला आगे जाकर कहीं थमेगा 24-25 से की जानब उससे पहले पहले तो ये बिल्कुल बारिशें हैं और बारिशें हैं और उसके बाद फिर भी बारिशों की हमें निवीद दिखाई देती है यूं कूँ कहेंगे अगर मूनसून का यह सिलसिला लगातार और लंबा चलने वाला है तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी नारायण कलाम बाज़ार की बात करें तो कलाम बाज़ार के अंदर भी आप चुके रश कम होना शुरू हो गया है सीज़न तकरीबन एंड हो चुका है तो होटलों के किराए सात आठ हज़ार तक घे हुए थे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा होटल महंगे नहीं थे चार पाँच हज़ार से आठ नौ हज़ार रुपये तक आपको रूम अवेलेबल थे और अच्छे होटल में दस बारह हज़ार से लेकर पंद्रह हज़ार रुपये तक रूम अवेलेबल थे लेकिन अभी यहाँ पर सीन ऐसा है कि तकरीबन 50 परसेंट लॉफ हो चुका है और राश ना होने की सूरत में 2,000, 2500, 3,000, 3500, 4,000, हज़ार इस रेंज में आपको बसानी रूम दस्याब है इसी में अभी हम आप जो आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं ये तहसील रोड के हैं बिल्कुल नारायण कलाम बाज़ार के साथ मारिया रिजार्ट है और बड़े अच्छे अच्छे और वी वी एपी होटल बने हुए हैं इन्हीं होटलों के संगम में अभी जो हम आपको प्रॉपर्टी दिखाने लगे हैं वो भी इसी व्यू के अंदर है ये जो व्यू आप देख रहे हैं इन्हीं व्यूज़ के अंदर ये प्रॉपर्टी है और सिंपल सी सादी सी प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपको यानी कि रह कर महसूस ऐसा होगा कि जैसे आप अपने घर में रह रहे हैं इसके हवाले से बशीर खान साहब का नंबर आगे स्क्रीन पर मौजूद है आप बशीर खान साहब से रब्ता करके यहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं मेरा हवाला देंगे कि पठवारी बैठक टी वी का तो इन शाला आपको पूरा प्रो प्रोटोकॉल मिलेगा और जो रियली डिस्काउंटेड प्राइजेज़ मैं आपको बताने लगा हूँ यही प्राइजेज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी और अगर वो ज़्यादा बता भी दे तो न बताइएगा कि पठवारी बैठक टी वी की हमने वीडियो देखी है और वहीं से हमारे आपसे साथ रता किया है इसके अलावा स्वाद कलाम आने के लिए जो रास्ते हैं उनमें जो थोड़ा बहुत रास्ता खराब है वो तो बारह में बता चुका हूँ कि बहरीन से लेके कलाम तक रास्ते में जो सैलाब की वजह से रोड खराब हुई थी उसमें कुछ पैचज़ ऐसे हैं कि जिसमें बारिश के वक्त तो रोड ख़राब होती है लेकिन साथ साथ उसी वक्त भी रिपेयर कर दी जाती है और हर किस्म की छोटी बड़ी गाड़ियां कलाम आ रही हैं ये कंफर्म बात है उसके अलावा जिस मैं गेस्ट हाउस की बात कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ज़बरदस्त होटल भी बने हुए हैं लेकिन इन्हीं होटलों के खूबसूरत व्यू के अंदर आपको आज इस गेस्ट हाउस के बारे में हम आपको दिखाने लगे हैं वो इसी जगह वाक़ है और इसमें आपको सादा और खूबसूरत यानी कि तमाम वो वहूलियात मैसर हैं जो किसी भी फैमिली के रहने के लिए होनी चाहिए यानी कि वो बहुत बड़ा सेट सेटअप नहीं है लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ये है ज़म जम, जम गेस्ट हाउस और ये बशीर खान साहब का अपना गेस्ट हाउस है और मेरे कहने पे उन्होंने इसको गेस्ट हाउस की शक्ल दे दी है इनका अपना एक घर था मैंने ने कहा कि इसे आप गेस्ट हाउस में शिफ्ट करें और इसमें आप देख सकते हैं कि अभी इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है कि ये बेड वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल कर सकें तो इन्होंने गद्दे बिछा दिए हैं कमरों के अंदर वो भी अंदर से आपको दिखाते हैं सैन है और सैन के साथ साथ इसके अंदर चार कमरे भी बने हुए हैं और इसमें दो कमरे नीचे हैं एक कमरा उधर ऊपर है तीन कमरे नीचे हैं एक कमरा ऊपर है और बड़ा खूबसूरत व्यू है और यहाँ पर आकर आपको अपने घर का एहसास होगा किचन भी मौजूद है बर्तन मौजूद हैं अपना आप खाना पीना करें सिलेंडर की पेमेंट आपको करनी पड़ेगी रूम एक अंदर से आपको दिखा देते हैं कि यहाँ से आप देखें अलग अलग रूम अगर फैमिलीज़ हों तो दे सकते हैं इंडिविजुअल्स को ये नहीं देते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अंदर से रूम देखें कारपेट बिछी हुई है फर्स्ट क्लास चेयर्स भी पड़ी हुई हैं और गद्दे लगे हुए हैं और यानी कि हर ऐसी चीज़ सीलिंग वगैरह भी हुई है बाजार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपको कोई फील हो कोई आपको गंदा सा माहौल होगा या कोई चीज़ होगी साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन माहौल है एक कमरे के अंदर भी आप सात से आठ लोग रह सकते हैं यानी कि तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है बीस पच्चीस लोग हैं एक कोस्टर के बंदे भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं यानी कि बीस पच्चीस बंदे आए और उन्होंने ये तीन चार कमरों के अंदर उन्होंने स्टे किया खूबसूरत व्यू है टिपिकली छोटा सा लेकिन नीट एंड क्लीन सेटअप है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा जो लोग यहाँ कर रह के गए हैं अगर किसी ने कोई वीडियो देख रहा हो तो बता सकता है कि कितना खूबसूरत इस जगह का व्यू है और कितनी खूबसूरत जगह है इन मुझे उम्मीद है कि बशीर भाई भी की हॉस्पिटलिटी और उनकी जो भगत है उसमें भी कोई कमी नहीं होगी और वो आपको भरपूर तरीके से यहाँ पर वेलकम करेंगे और साथ साथ आपको रहने के लिए यहाँ पर अगर आप रहें तो आपको खाने पीने या किसी किस्म की प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं है कि अपना खाना पीना करना चाहें तो भी हो सकता है नहीं तो बिल्कुल बाजार पाँच मिनट की वॉक पे है आप नीचे चले जाएँ हर किस्म का रेस्टोरेंट मौजूद है वहाँ पर आपको खाने पीने की हर किस्म की अशा मिल सकती है यहाँ रहने के बाद आप कलाम के दूसरे इलाकों में आपसे जा सकते हैं जीपे भी अवेलेबल हैं बशीर खान काजाब का नंबर मौजूद है उनसे रब्ता कीजिएगा इन शाला आपको ज़बरदस्त किस्म की ना सिर्फ इंफॉर्मेशन भी मिलेगी बल्कि आप जब तक वहाँ रहेंगे आपके लिए गाड़ियों का अरेंजमेंट करना आपको इलाकों तक घुमाने फिरने के लिए बेहतरीन गाड़ी करके देना जो ऐसा ड्राइवर होगा जो कि टूर गाइड भी होगा और जहाँ पर भी आप जाएं जहाँ तक जाएं वो आपको मुकम्मल तौर पर गाइड भी फ्राहम करेगा और बेहतरीन अखलाक का मालिक होगा तो आज की वीडियो इतनी थी मुझे इजाज़त दें पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान परिंदाबाद जीते रहे खुश रहें आबाद रहे अपनी दो मुझे लाजमी याद रखेगा अल्लाह हाफि